नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में नई सरकार का गठन दशहरा उत्सव के बाद होगा, तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 5 के ग्राउंड में समारोह होने जा रहा है और यहां पर तैयारियां शुरू हो रही हैं। आगामी 15 अक्टूबर को सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और देश के पीएम मोदी शिरकत करेंगे। कई राज्यों से बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हरियाणा की जनता ने एक इतिहास रचा है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का जो काम किया है, उसी के निमित्त शपथ ग्रहण समारोह जो पंचकुला में होने जा रहा है, इसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी जो आने वाले हैं, उनके साथ जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित प्रदेश के, वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और अभी तारीख जो है वो तय नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पंचकुला में ही जो है ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। ओपी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है अब सरकार का गठन होना है और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह का भी इंतजार यहां पर किया जा रहा है, जब जो है तमाम सारे दिग्गज और तमाम सारे बीजेपी के जो यहां पर सीएम के इकट्ठा होने की भी यहां पर अलग अलग राज्यों से उम्मीद है, क्या कुछ जानकारी? देखिए गौरव, अगर हरियाणा मंत्री हरियाणा में बीजेपी की जो तीसरी बार जो सरकार बन रही है उसकी ताजपोशी की जो तैयारियां शुरू हो गई, हरियाणा के राज्यपाल की तरफ से पंचकुला के जो डीसी हैं उनके अध्यक्षता में कमेटी की गई और करीबन 10 लोगों की कमेटी है जो गौरव थोड़ा आवाज में दिक्कत है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप कंप्लीट कीजिए। जी, जो है कमेटी का जो गठन कर दिया गया है और अब कमेटी ने तैयारियां जो शुरू कर दी है, परेड ग्राउंड में जो है वो साफ सफाई, रंग रोगन और पेंट वगैरह का काम जो तेजी से शुरू। जो बीजेपी के पूर्व सांसद संजय भाटिया करनाल से थे, उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बैठक करके पूरी तैयारियों की जो है समीक्षा की है और हरियाणा में बीजेपी जो तीसरी बार एक हैट्रिक लगाकर एक अपने आप में एक रिकॉर्ड जो है हरियाणा में बनाया है, उसको एक बहुत बड़ा समारोह बनाने के लिए पूरी जो तैयारी कर रही है और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से स्पेशल बसें भी जो है पंचकुला के लिए चलाई गई। एक बार जो है वो रोडवेज के जो जनरल मैनेजर हैं जिला स्तर पर, सभी को आदेश भी दे दिए हैं, हालांकि एक बार आदेश जो है वापिस ले गए, लेकिन मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह है तो उसकी जो तैयारियां की जाएंगी, भारी संख्या में लोग आएंगे। जहां तक बात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिस्सा लेने की बात सामने जो है वो आ रही है। तो अब देखते हैं बीजेपी इस जो आयोजन को एक समारोह बनाकर कहीं ना कहीं ना केवल जनता के बीच जाएगी बल्कि विपक्ष को भी अपनी जो ताकत का जो है वो अंदाजा करवाएगी। बिल्कुल यकीनन, लेकिन ओपी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी वाले दिनों में जो है इसका जो है विस्तार हमें देखने को मिलेगा, अभी यहाँ तैयारियां जोरों पर है, ऐसे में क्या विपक्ष के लोगों को भी इन्विटेशन जा सकता है, क्या विपक्ष के चेहरे भी यहाँ पर जो है देखने को मिल सकते हैं? देखिए गौरव, पहले तो मैं बता दूं कि हरियाणा में ये चौथी या पांचवी बार ऐसा हो रहा है जब जो शपथ ग्रहण समारोह है जो मतलब चंडीगढ़ में राजभवन में नहीं हो रहा है। पिछली बार का शपथ ग्रहण समारोह दिवाली वाले दिन जो है वो चंडीगढ़ में शाम को 3 बजे के आसपास जो हुआ था। वहीं अगर साल 2014 की बात करें तो इसी ग्राउंड के ऊपर जो है हरियाणा में जो पहली बार बीजेपी बनी थी तो उसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और एक बार फिर जो उसका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इससे पहले 2000 में जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी थी और ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, तब इस तरह का जो शपथ ग्रहण समारोह है जो कुछ है करने किया गया था। जहां तक विपक्षी नेताओं की बात है तो जो हरियाणा के जो बड़े विपक्षी नेता है उनको भी एक प्रोटोकॉल के तहत जो है बुलाया जाता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या बाकी जितने भी बड़े नेता हों उन सभी को जो है वो इन्विटेशन जो है जरूर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जिस तरीके से जो है इन्विटेशन जाए, लेकिन अगर चाक्षुष और
जाए तो प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखता हुआ नजर आ रहा है, क्या किस आकलन के हिसाब से जो है, चूंकि इस तरीके के तमाम हस्तियां यहाँ पर जुटने जा रही हैं। प्रधानमंत्री आते हैं तो जेड सुरक्षा का प्रोटोकॉल जो है पूरे इलाके में दिया जाएगा, नो फ्लाइंग जोन भी बनाया जाएगा और एनएसजी और जो आईबी रो है वो सभी अपनी अपनी ड्यूटियां संभालेंगी। आज जो है वो एक बार प्रशासन की पहली जो है मीटिंग हुई है, वो अपनी तैयारियां करेंगे। जैसे जैसे उनकी तैयारियां होंगी तो संडे तक जो हो प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी अमला है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इस तैयारियों के अंदर जो है जुट जाएगा। और जहां पर भी प्रधानमंत्री की का दौरा देसी किसी भी राज्य में हो और जो सीएम सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसकी जो जिम्मेवारी होती है वो राज्य के डीजीपी की होती है, तो ऐसे में अब डीजीपी भी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाएंगे, वो खुद जो है वो तैयारियां जो है देखेंगे और जैसे जैसे आगे वक्त होता रहेगा तो उसके बाद जो है वो जो है पूरी तैयारियों घेरा जो है बना दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के ऊपर उनका स्पेशल जहाज लैंड करता है या वो चौपर से आते हैं तो कहाँ पर जो है उनके हेलीकॉप्टर की जो है वो लैंडिंग होगी, तमाम बातें हैं। सुरक्षा की कई लेयर जो है बनाई जाएंगी। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो शायद कुछ एक बटालियन सीआरपीएफ और आरपीएफ की भी जो है वो कहीं ना कहीं तैनात जो है वो कर दी जाए। तो अब आज भी जो है वो बैठक का पहला दिन था तो अभी बहुत कुछ इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था भी मैनेज करनी है, क्योंकि जो ग्राउंड है उसके आसपास रेजिडेंशियल एरिया भी है, कॉमर्शियल एरिया भी है, तो लोगों को भी ना दिक्कत हो, किस तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, लोगों को किया जाएगा, बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से। आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से देखिए हरियाणा में नई सरकार का गठन होने जा रहा है तो जाहिर कि नया मंडल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा जा रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से अगर बात की जाए, जो जानकारी अगर आपको हासिल हुई हो तो कौन से जो है बड़े चेहरों को जो है कौन सी जिम्मेदारियां ऐसा नई सरकार में देखने को मिल सकती हैं? ओपी देखिए गौरव, जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी में आज तक जितने भी अनुमान जो है वो लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं गलत ही जो है वो साबित होते रहते हैं। हालांकि जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज थे उनको भी जो है वो पंजाबी कम्युनिटी होने के नाते कहीं ना कहीं उनको भी स्थान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी से जो सात विधायक हैं वो जीत कर पहुंचे हैं। जाट बिरादरी की बात करें तो कुल छह जो है वो पहुंचे हैं, तो उनमें से महिपाल ढांडा का नाम अभी तक जो सुनने में आ रहा है। ब्राह्मणों में मूलचंद शर्मा और वैश्य समाज विपुल गोयल और दलित समाज के कृष्ण पवार और अरविंद शर्मा, सुनील सिंह, सुनील सांगवान, कृष्णा गहलावा, धर्मवीर मुंडवा, आरती राव, कृष्ण मिड्डा और स्पीकर को लेकर भी जो है चर्चाएं जो है चल रही है। देखते हैं कि किसको जो है बीजेपी बनाती है, तमाम बातें का पता जब लगेगा, जब एक बार सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए ओपी शर्मा आपका। लेकिन आने वाले वक्त में पता लगेगा कि किस तरीके से जो है नई सरकार का गठन हो रहा है और सरकार के साथ में कौन सा मंत्रिमंडल यहां पर शपथ लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है जहां पर राज्य विश्वविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है और ये अब रोक जो है अगले आदेश तक जारी रहेगी। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है जिसकी सूची आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर राज्य विश्वविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया पर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी है और ये रोक जो है अगले आदेश तक जारी रहेगी। राज्य विश्वविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। उधर हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई गई जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल लेना चाहिए, अब पंजे को हटाकर जो है जलेबी रख लेनी चाहिए। सही मानों में बता सकते हैं जो आरोप लगा रहा है स्पष्टीकरण भी उनको ही करना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब की प्रतिक्रिया है कि नहीं
सुबह जब तुम बंधे पड़ो कह रहे थे हमारे हक में और मैं को तो पहले कह रहा था कि साहब का भी बहुत अच्छा साहब कर रहा हूँ जब मुझे साहब कह रहे थे तब है कि नहीं जब हार गए तभी है होती है जिस भी बंदे जिस भी हिम कांग्रेस हारती है उसके बाद जो रोती है और अलाप उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा अनाज मंडी के दौरे पर पहुंचे। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह, एसडीएम मयंक भारद्वाज सहित मंडी के अधिकारी, आरती और किसान भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि किसानों की समस्या को लेकर सुनते हुए उन्होंने कहा कि ये किसान हितैषी सरकार है, किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अनाज मंडी दौरे पर मूलचंद शर्मा यहां पर रहे, मौके पर कई अधिकारीगण उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद में मूलचंद शर्मा ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार आपके एक एक धान के दाने को खरीदेगी। आज पूरे हरियाणा में आज कार्यक्रम है, मंडी में सभी अधिकारी और सभी विधायक सभी मंडी में सबका दौरा रखा है। किसानों की जो समस्या है उस समय धान की पेड़ी आ चुकी है और उस पर क्या है कि जो परचेजिंग कोई देरी ना हो, किसान परेशान ना हो और किसानों के समर्थित सरकार है। और कई समस्या होती है, कहीं जैसे अभी कई जगह मॉइस्चर कम था, कहीं ज़्यादा था, जो मॉइस्चर नहीं है उनकी परचेजिंग हो और किसानों की जो जल्दी जल्दी उनकी परचेजें हो, जल्दी जल्दी फारिग किया जाए और किसान किस तरह की पीड़ा ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए हमने कार्यक्रम पूरे आज बल्लभगढ़ रखा। पूरे हरियाणा में कार्यक्रम है, हर मंडी का दौरा है, तो इसलिए आज कार्यक्रम रखा। निर्वाचित बड़खल विधानसभा से भाजपा विधायक दिनेश अधलखा एक्शन मोड पर नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथ लिया और साफ तौर पर कहा कि दफ्तर में नहीं फील्ड में नजर आए अधिकारी। सीवरेज की समस्या को लेकर अधिकारियों को 72 घंटे का समय दिया है। वहीं भाजपा विधायक धनेश अधलखा ने कहा कि एफएमडीए और नगर निगम दोनों का तालमेल नहीं था, अब तालमेल हो गया है, दोनों अच्छी तरीके से काम करेंगे, अब सीवर की समस्या नहीं आएगी, अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसको सस्पेंशन करवाऊंगी। वहीं डिपो होल्डर को लेकर कहा कि जब मैं चुनाव में था, लोगों की समस्या में था, उन्हें राशन नहीं मिल रहा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया डिपो होल्डर जिसमें मेरा पार्षद और मंडल अध्यक्ष भी रहेंगे। वो तालमेल हो गया और सब लोग अच्छे से काम करने को तैयार है, किसी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये था कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये लाइन कौन साफ करेगा, ये कौन साफ करेगा, कब करेगा, कितनी अरेंजमेंट करना, वो सारा तय हो गया। अगले 4 दिन के अंदर सीवर की समस्या इस शहर में नहीं रहेगी, जो नहीं करेगा वो तैयारी कर ले। सस्पेंशन तो होगी होगी, लेकिन मैं FIR भी वो करा दूंगा कि जो काम नहीं करेगा मैं करा दूंगा। हर साल की तरह इस बार भी धान सीजन शुरू होते ही कालावली में धान खरीद में गड़बड़ी का खेल शुरू हो गया है। मंडी में शेलरों द्वारा सीधे धान की खरीद की जा रही है। आपको बता दें कि कालावली में धान में चल रही धांधली की चेकिंग करने के लिए सिरसा उपायुक्त पहुंचे। मार्केट कमेटी में चीफ सेक्रेटरी IAS विजेंद्र कुमार, सिरसा DC शांतनु शर्मा, SDM कालावली सहित जो है तमाम अधिकारी मीटिंग ले रहे हैं।
उधर हरियाणा एससी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बालियाला रतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने अनाज मंडी में धान की फसलों का जायजा लिया। बता दें कि किसानों और व्यापारियों के समस्याओं को लेकर अध्यक्ष रविंद्र बालियाला के आगे कमेटी सचिव और अधिकारियों की शिकायत की, जिसके बाद हरियाणा एससी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र बालियाला व्यापारियों के साथ मार्केट कमेटी पहुंचे, मगर कार्यालय में सचिव महोदय नारायण मिले। वहीं उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही अध्यक्ष रविंद्र बालियाला ने चेतावनी दी है कि अगर किसी व्यापारी को कोई दिक्कत आई तो किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। ये तो यहाँ गेट बंद है, सभी व्यापारियों ने और किसानों ने ये शिकायत की थी कि यहाँ बहुत भारी रश हो जाता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसी वजह से हम कुछ व्यापारी भी और कुछ किसान भी यहाँ मार्केट कमेटी के ऑफिस में आए थे। यहाँ कोई भी एम्प्लॉय नहीं था, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मिस्टर परमजीत नांदल वो भी नहीं थे, और भी कोई मुलाजिम यहाँ नहीं था। सेवादार जरूर थे, उन्होंने हमें पानी वगैरह की व्यवस्था सारी करी थी, लेकिन चलो अब सेक्रेटरी साहब आ गए हैं तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो गेट है वो खोल दिए जाएंगे, जो चोरी होती है आड़तियों की व्यापारियों की उसको रोकने का काम करेंगे, चौकीदार यहाँ लगाने का काम करेंगे। गेट एक है ना हमारे पास, अभी पूरा स्टाफ मैनेजिंग है, जो सीजन के तहत होता है, क्योंकि सीजन पे हमें सीजन स्टाफ अलग से दिया जाता है, तो उसमें हमारा जैसे फतेहाबाद लगभग ज्वाइन कर चुके हैं, कौशल रोजगार से बंदे दिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर हमने 21 चौकीदार मांगे थे, 19 मिले थे, और 19 में से अभी तक 3 ने ज्वाइन किया, तो इस वजह से थोड़ी समस्या रखी है। इस बारे में एसडीएम साहब से डीसी मैम से बात करके इसको सॉर्ट आउट करा देंगे। गेट हमने खुलवा दिया, हाँ गेट ओपन कर दिया। हाँ सभी की होंगे शिकायतें, सीजन के दौरान अक्सर आती रहती है, साथ ही साथ सॉर्ट आउट होती रहती है, किसान की भी ओर आ जाती है। नंबर नहीं, गेट पास तो मौके पर दिए जा रहे हैं, और वो तो फिर गेट खोल लेंगे, गेट पर कंप्यूटर एक्स्ट्रा रखवा देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं, तो गेट खोल लेंगे, उसको कंप्यूटर भी चाहिए। उधर रेवाड़ी में बीजेपी की तरफ से रोड शो निकाला गया। आपको बता दें कि रेवाड़ी सीट से जीत दर्ज करने वाले लक्ष्मण सिंह यादव ने अग्रसेन चौक से मुख्य बाजार में होते हुए रेलवे चौक तक पैदल डोर टू डोर व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान लक्ष्मण यादव का जगह जगह स्वागत किया गया। रेवाड़ी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली भी मौजूद रही। आज ये रोड शो नहीं है, जो बाजार और जनता ने, रेवाड़ी की जनता ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है उसका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता एकमुश्त होके आए हैं। पार्षद हैं, मेरे जिलाध्यक्ष हैं और सभी जिले के पदाधिकारी हैं, सब लोग आज बाजार में अपने व्यापारी भाइयों का, अपने क्रेता विक्रेताओं का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे सबका आभार प्रकट कर रहे हैं। मैं हरियाणा की जनता का, रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी, ये कहना चाहूंगी कि जो तीनों सीटें जीती हैं उसका पूरा उद्देश्य जनता को है, जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है और आगे लक्ष्मण जी को उन्होंने चुना है कि रेवाड़ी का विकास कार्य कराएं। वो कहते थे कि जो लक्ष्मण जी हैं वो कोसी से यहाँ पर भेजा उनको, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने एक दमदार व्यक्ति को भेजा है रेवाड़ी में, उन्होंने दिखा दिया कि किस प्रकार से लोगों का काम किया जाता है, और रेवाड़ी की जनता ने भी लक्ष्मण जी के नाम पर मोहर लगाई है और हमने रेवाड़ी की तीनों सीटें जीती है, इसके लिए मैं रेवाड़ी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उधर एसडीएम डॉक्टर अश्वीर नैन ने तोशाम अनाज मंडी में चल रही बाजरे की सरकारी खरीद का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि एसडीएम ने गेट के पास सहित मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वहीं एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बेचने में किसानों को कोई परेशानी न आए। इस दौरान एसडीएम ने फसल बेचने आए किसानों और आढ़तियों से भी बात की, साथ ही उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार बाजरा खरीदा जाए, अगर किसी भी लापरवाही मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि अनाज मंडी में अभी तक 33,840 क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है। इस मौके पर मार्केट कमेटी के सचिव सुदेश शौरान और खरीद एजेंसी हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के मैनेजर रोहताश के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
आज तोसान मंडी का मौका मुआयना किया गया और अब तक हमारे तोसान के अंदर लगभग 38,000 बाजरे की खरीद हो चुकी है और वहाँ पर मौजूद सेक्रेटरी और प्रत्येक एजेंसी को निर्देश दिए गए कि किसानों को किसी भी टाइप की कोई भी समस्या खरीद में ना आए और खरीद का जो वो है बड़े सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी किसानों को किसी भी टाइप की कोई समस्या खरीद में नहीं आनी चाहिए। उधर कालावाली हुड्डा R3 में युवक का शव मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची और बीओ कालावाली के हुड्डा R3 में पुलिस को एक शव बरामद हुआ है। युवक की पहचान विकास पुत्र मनोज कुमार निवासी वार्ड नंबर 1 के रूप में हुई है। तो बताया जा रहा है कि युवक चिट्ठा का नशा करता था। हो सकता है कि नशा की अधिक डोज के कारण युवक की मृत्यु हो गई। शव को देखने में प्रतीत होता है कि शव 1 से 2 दिन पुराना भी हो सकता है। युवक की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। कालावाली चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि कालावाली में आए दिन नशा के कारण युवा मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं और नशा पर काबू नहीं हो पा रहा है। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फटने से साथ में चल रही कार का अचानक संतुलन बिगड़ने पर मौके पर दुर्घटना हो गई। दिखाई दे रहा है कि यह नजारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का है जहां पर बीती रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें भारी संख्या में ईंट भरी हुई थी जिसे चालक लेकर मथुरा से फरीदाबाद की ओर जा रहा था लेकिन अचानक ट्रॉली का पिछला पहिया फट जाने के कारण बगल में गुजर रही कार चालक का नियंत्रण बिगड़ जाने पर मौके पर दुर्घटना हो गई। चालक के साथ युवती गंभीर रूप से घायल हो गई जिन्हें स्थानीय नागरिकों की मदद से उन्हें नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। बता दें कि काफी समय के बाद पुलिस ने यातायात को लंबे समय से और कई किलोमीटर तक जाम लगने के कारण उसे खोलने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए। ये जो गाड़ी चल रही है अपने साइड पे ट्रैक्टर चल रहा है 2 नंबर पे और ये ट्रैक्टर का टायर फटा है ट्रैक्टर ये घूम गया गाड़ी साइड में थी उसने ट्रैक्टर में जाके ये गाड़ी लड़ी है फिर गाड़ी घूम गई। जो ये कार का और ट्रैक्टर का जो एक्सीडेंट हुआ है जो बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से दुर्घटना हुई है तो ये कार कहाँ से आती दिखाई दे रही थी आपको? कार तो साइड से आ रही थी। कहाँ से? मथुरा साइड से। मथुरा साइड से आ रही थी फरीदाबाद की तरफ जा रही थी और साथ में ट्रैक्टर चल रहा था तो ट्रैक्टर के पहिया जो टायर है अचानक फटा है। ये गाड़ी करीब ना कब तो 70 की स्पीड से 80 स्पीड में होगी ट्रैक्टर साथ में ट्रैक्टर का टायर फटाया तो उसने लगाया के ये गाड़ी घूम गई। हमें सिटी में तो बाहर निकल लेते जैसे ही हम वहाँ सिटी से बाहर निकले तो ट्रैक्टर उस साइड तक कार छेड़ दी तो एकदम से इससे टायर फटा ट्रॉली का जैसे ट्रॉली का टायर फटा वो अंदर थोड़ा घूम गया तो जैसे ट्रॉली पलटी ट्रैक्टर आके कार में लगा है। हमें एकदम इतने बक्केज भी आए हैं अपना ऊपर कार में कितने लोग थे किसी से बहुत चोट लगी? एक लेडीज थी। कुछ मालूम है गाड़ी कहाँ से आ रही थी? मैं पीछे से आ रहा था तो मैं वो सिटी से बाहर निकल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।